द नगरी न्यूज की खास पेशकश डिजिटल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं ललित वर्मा। चलिए रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। राजस्थान के सांभर में कांवड़ियों के साथ पुलिस द्वारा की गई मारपीट का मामला लगातार तूल पकड़ रहा है। विधानसभा में भी इस घटना को लेकर जमकर हंगामा हुआ। बीजेपी विधायक बाल मुकुल आचार्य ने मामले की जांच की बात कही तो वहीं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने मामले को गंभीर बताते हुए भाजपा सरकार पर आरोप लगाए। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा बीजेपी के कमल की तुलना चक्रव्यूह से करने का मामला तूल पकड़ने लगा है। राहुल गांधी ने लोकसभा में कहा कि चक्रव्यूह और पद्मव्यूह समान है, जिनका आकार कमल जैसा है और उस कमल को पीएम मोदी अपनी छाती पर लगाकर घूमते हैं। हजारों साल पहले अभिमन्यु को मारने वाले भी 6 लोग थे और आज देश को चलाने वाले भी 6 लोग हैं। जिसके बाद भाजपा ने राहुल गांधी के इस बयान की जमकर निंदा की। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को जान से मारने की धमकी देने वाले फोन कॉल से जुड़े मामले पर एक बार फिर से प्रदेश में कानून व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े हुए हैं। दौसा जेल से किए गए इस फोन कॉल के बाद जेल में बड़ी संख्या में फोन और पेन ड्राइव बरामद की गई है। इस मुद्दे को लेकर अब विपक्ष कानून व्यवस्था को लेकर बड़े सवाल खड़े कर रहा है। दिल्ली की एक कोचिंग के बेसमेंट में पानी भरने के चलते 3 छात्रों की मौत के बाद सरकार की ओर से बबड़ा फैसला लिया गया है। दिल्ली में संचालित 13 कोचिंग इंस्टीट्यूट को सील कर दिया गया है, जिसमें आईएएस गुरुकुल, चेस अकादमी, प्लूटोस अकादमी, साई ट्रेडिंग, आईएएस सेतु, टॉपर्स अकादमी, दैनिक संवाद, सिविल डेली आईएएस, करियर पावर, 99 नॉट्स, विद्या गुरु, गाइडेंस आईएएस, ऐसे और आईएएस को दिल्ली सरकार ने सील कर दिया है। बेसमेंट में बने 13 कोचिंग इंस्टीट्यूट में शामिल हैं। प्रदेश में एक बार फिर से मौसम ने करवट ली है। बीते 24 घंटों में तीखी धूप के चलते लोगों को गर्मी और उमस सताने लगी है। इसके साथ ही दिन और रात का तापमान भी बढ़ने लगा है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में फिर से मानसून के सक्रिय होने के साथ ही बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। इसके साथ ही पूर्वी राजस्थान के कई हिस्सों में भारी बारिश की मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। रीट लेवल 2 के परिणाम की मांग को लेकर राजस्थान बेरोजगार संघ अध्यक्ष मनोज मीणा के नेतृत्व में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड कार्यालय पर प्रदर्शन करते हुए बोर्ड की सद्बुद्धि के लिए यज्ञ किया गया। इस दौरान मनोज मीणा ने बोर्ड पर मनमानी के आरोप लगाए। लोकसभा में एक बार फिर से राहुल गांधी के तेवर देखने को मिले। राहुल गांधी ने किसानों युवाओं के मुद्दे को लेकर भाजपा की नरेंद्र सरकार को जमकर घेरा। इसके साथ ही राहुल गांधी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर भी जमकर प्रहार किए। राहुल गांधी ने सदन में किसानों को एमएसपी का लाभ देने की बड़ी घोषणा भी कर दी। विधानसभा में उदयपुर में शंकरलाल मेघवाल की हत्या के मामले में बाप विधायक थावरचंद ने सरकार की घोषणा पर बड़े सवाल खड़े किए हैं। थावरचंद ने सदन में कहा कि उदयपुर में ही कन्हैया कुमार की हत्या पर 1 करोड़ का मुआवजा दिया गया था, जबकि शंकरलाल मेघवाल के परिवार को महज 31 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया है। ऐसे में दलितों के साथ सरकार की भेदभाव नीति साफ नजर आ रही है। सुनिए थावरचंद ने क्या कुछ कहा। परंतु एक घटना पूर्व में भी हुई थी, उसी उदयपुर के अंदर कन्हैयालाल टेलर की हत्या हुई थी। तब सरकार तत्परता दिखाते हुए 1 करोड़ का आर्थिक सहायता परिवार को नौकरी दी गई। मैं कन्हैयालाल टेलर को तो हम नहीं लौटा सके, लेकिन उसके परिवार को संबल प्रदान करवाया। परंतु इस शंकरलाल मेघवाल के परिवार के साथ में 31 लाख का मुआवजा दिया गया, तो सरकार पक्षपात क्यों करना चाहती है? मैं ये कहना चाहूंगा कि इस देश के अंदर 2 विधान है क्या, कि एक को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा और सरकारी नौकरी, दूसरे को 31 लाख का मुआवजा? कहां तक, कैसी मानसिकता दलित आदिवासी के प्रति दिखती है? साथ में कोई ऐसा जिम्मेदार सरकार का मुखिया इस ओर ध्यान तक नहीं देता है। मैं एक और जर्मनी में लॉन्ग रेंज की मिसाइल तैनात करने के अमेरिका के फैसले को लेकर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आपत्ति जाहिर करते हुए धमकी दी है। पुतिन ने कहा है कि अगर अमेरिका ऐसा करता है तो वह इंटरमीडिएट रेंज के न्यूक्लियर हथियारों को बनाना शुरू कर देंगे। इसके अलावा पश्चिमी देशों को जद में रखने वाली मिसाइलों को तैनात कर दिया जाएगा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रविवार को कहा कि जर्मनी में अमेरिका द्वारा लंबी दूरी और हाइपरसोनिक मिसाइलों की तैनाती की योजना जवाब में रूस नए हमलावर हथियार तैनात किए जाएंगे। इस बार के कॉमन एडमिशन टेस्ट CAT 2024 का आयोजन IIM कोलकाता द्वारा किया जाएगा। इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कोलकाता ने इस संबंध में नोटिस जारी कर दिया है। बता दें, परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन 1 अगस्त से शुरू होंगे और एडमिट कार्ड 5 नवंबर को जारी किए जाएंगे। वहीं इस बार की कैट परीक्षा के 2 बड़े बदलाव किए गए हैं। पहला फीस संबंधी बदलाव और दूसरा परीक्षा केंद्र संबंधी बदलाव है। तो ये थी आज की तमाम बड़ी खबरें। कल फिर से आपके साथ रूबरू होंगे। नमस्कार।